गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन वेयर हैव ऑल द डायनासोरस गॉन। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुने और समझें और फिर करें भी इसको। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो ग्लास है, ग्लास को हम किससे मैच करेंगे, सी से, विंडो, तो विंडो ग्लास कहते हैं, विंडो ग्लास, राइट दिस। फिर है पॉइंट नंबर टू वुडन, वुडन को हम किससे मैच करेंगे, डोर, ए से, वुडन डोर होता है लकड़ी का दरवाज़ा। फिर है कॉटन, डी पे, इससे डी को मैच करेंगे क्लोथ से, कॉटन क्लोथ होते हैं। कैरामिक को हम करेंगे ई से, कैरामिक कप होते हैं, जैसे अपने कप प्लेट वगैरह जो होते हैं कैरामिक बनी होती चीनी मिट्टी के। आयरन जो है लोहा, इसको हम बी से करेंगे रोड, आयरन की रोड होती है। फिर चलते हैं हम बी एक्सरसाइज पर, इसमें हमने पिक्चर देखी और नीचे गैप भरने कंप्लीट करना है वर्ड को, वर्ड को कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो ये देख रहे हैं ना कितने पेड़ पेड़ हैं, हरियाली है, तो इसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी। फिर हैं ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एनिमल्स, इसमें लिखेंगे एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस। फिर राइट को देख रहे हैं उसी के, ये डायनासोर है, डी आई एन ओ एस ए यू आर। फिर नीचे ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पृथ्वी की पिक्चर है, अर्थ की, ई ए आर टी एच। फिर उसके पास में है क्लाउड, बादल। फिर है कॉमेट, सी ओ एम ई टी। नीचे आइए, लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सी, इसमें देखिए राइटिंग करना है, ये जो स्लैश दे रखा है तो स्लैश से पहले वाला आएगा या स्लैश के बाद वाला आएगा सेंटेंस में, ये हमने करना है। तो देखिए, द डायनासोरस लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स बिकॉज दे वर बिग, स्ट्रॉन्ग एंड मीन। हाँ ये आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड मीन, तो ये आएगा इसमें, पीछे वाला जो स्लैश के बाद वाला है ये नहीं आएगा। तो इस पर राइट टिक करेंगे, पहले वाले पे, स्लैश से पहले वाले पोर्शन पर। पॉइंट नंबर टू देखिए, ए स्मॉल जर्म कैन किल वेरी बिग एनिमल्स, स्मॉल जर्म है बड़े बड़े एनिमल्स को मार सकता है, तो यही जो स्लैश से पहले वाला है ये आपका राइट है, इस पर राइट टिक करें। पॉइंट नंबर थ्री, जर्म्स लीव एवरीवेयर, बिल्कुल ठीक है, एवरीवेयर पे टिक करें, क्योंकि जर्म्स जो हैं हर जगह रहते हैं, हर जगह होते हैं। पॉइंट नंबर फोर, देर आर बैड जर्म्स एंड गुड जर्म्स, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे दोनों ही प्रकार के जर्म्स हैं, बैड जर्म्स भी हैं और गुड जर्म्स भी हैं, तो इसी पे राइट टिक करेंगे स्लैश से पहले। पॉइंट नंबर फाइव, द सनशाइन या रेन किल्स बैड जर्म्स, क्या मारता है बैड जर्म्स को, सनशाइन, सनशाइन में जो बैड जर्म्स हैं मर जाते हैं। तो जितने भी ये पाँचों पॉइंट आपके हैं, इसके स्लैश से पहले वाला जो पोर्शन है वही आपके सारे के सारे राइट हैं। आगे देखिए, डी एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चंस, व्हाई वर द एनिमल्स एक्साइटेड, एनिमल्स एक्साइटेड क्यों थे, तो इसका आंसर बनेगा, द एनिमल्स वर एक्साइटेड बिकॉज द आउल वॉज गोइंग टू टेल देम अबाउट डायनासोर्स, क्योंकि उल्लू उनको, सभी एनिमल को डायनासोर के बारे में बताने जा रहा था, इसलिए सभी एनिमल्स बहुत ही एक्साइटेड थे। फिर एक क्वेश्चन नंबर इसी में डी पार्ट का टू है, व्हाई डिड द डायनासोरस लिव ऑन अर्थ लॉन्गर देन एनी अदर एनिमल, डायनासोरस जो है पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक रुके, देन एनी अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स की अपेक्षा। तो देखिए इसका आंसर है, जो द डायनासोरस लिव्ड ऑन अर्थ लॉन्गर देन एनी अदर एनिमल, डायनासोर जो है पृथ्वी पर रहे बहुत लंबे समय तक अदर एनिमल की अपेक्षा, बिकॉज, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट,
स्ट्रोंगेस्ट एंड मीनेस्ट एनिमल्स, बहुत नीच स्ट्रोंगेस्ट और बिगेस्ट थे। नो अदर एनिमल डेयर्ड फाइट देम, किसी भी अदर एनिमल की उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द जर्म्स हैड किल्ड द डायनासोरस, क्यों अदर एनिमल्स को ये मुश्किल हो रहा था समझने में, विश्वास करने में कि जर्म्स ने डायनासोरस को ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो आंसर है द एनिमल्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव, एनिमल्स को ये समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है विश्वास करने में कि द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स, इतने छोटे जीव जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देते, जर्म्स जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, द जर्म्स कुड किल द बिगेस्ट क्रिएचर्स द डायनासोरस। तो सभी एनिमल जो है कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना उनको मुश्किल हो रहा है कि एक छोटा सा जो जर्म्स, छोटे छोटे जर्म्स जो हमें दिखाई भी नहीं देते, कितने बड़े क्रिएचर्स को, डायनासोर को मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक अप एंड राइट 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन दैट डिस्क्राइब डायनासोर, कोई भी 3 एडजेक्टिव आपने चैप्टर में से निकाल ली हैं जो डायनासोर के बारे में डिस्क्राइब करें। तो हमने देखा था कि चैप्टर में आया था बिगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट एंड मीनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द साइंटिस्ट्स बिलीव कॉज द डायनासोरस टू डिसअपियर, वैज्ञानिकों का क्या मानना है डायनासोर के बारे में कि वे डिसअपियर क्यों हुए, डिसअपियर मीन्स अंतर्ध्यान, क्यों ख़त्म हो गए वो सारे के सारे, विलुप्त क्यों हुए। तो ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से, एंड इन द अर्थ और पृथ्वी में बदलाव आने की वजह से, लेटर दे थॉट दैट ए कॉमेट, एस्ट्रॉइड और मेटियोर हैड किल्ड देम। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्ट्रॉइड है जो एक जो पत्थर होता है जो ज़मीन से टकराता है उसकी वजह से सारे ये मारे गए, एस्ट्रॉइड की वजह से, कॉमेट की वजह से ये पृथ्वी से जब टकराया तो उससे ये मारे गए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ऑल, उल्लू के अनुसार हाउ डिड द डायनासोर डाई, उल्लू के अनुसार जो डायनासोर ये मरे ये कैसे मरे, तो उल्लू की सोच देखिए, अभी आंसर देखो। अकॉर्डिंग टू द ऑल, उल्लू के अनुसार द जर्म्स किल्ड ऑल द डायनासोर, के जर्म्स जो होते हैं इन्होंने पूरे सभी डायनासोर्स को मारा है। ई पार्ट देखिए, हु सेड दिस एंड टू होम, ये बात किसने कही और किसको कही। देखिए फर्स्ट, बट आई कैन टेल यू दिस द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस क्रिएचर्स ऑन अर्थ किल्ड ऑल द डायनासोर्स, ये बात उल्लू ने एनिमल्स को कही थी। आउल टू द एनिमल्स, टू देखिए, ओ हु आर दीज क्रिएचर्स, ये क्रिएचर्स कौन हैं, डू वी नो देम, क्या हम जानते हैं इन्हें, व्हाट आर दे कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, ये बात बेयर ने आउल से पूछी थी, बेयर टू द आउल। पॉइंट नंबर 3, वी हैव नेवर सीन जर्म्स, हमने कभी जर्म्स देखे ही नहीं, ये बात किसने कही, ऑल द एनिमल्स टू द आउल, सभी एनिमल्स ने आउल को कही थी, उनसे पूछी थी उल्लू से कि भाई हमने तो कभी देखे नहीं ऐसी वो जर्म्स वगैरह। पॉइंट नंबर 4, सो सैड दैट वाज सच ए सैड स्टोरी, तो ये बात टाइगर ने उल्लू को कही थी, टाइगर टू द आउल। आगे है आपका ये एफ पार्ट, वेयर डू यू फाइंड बैड जर्म्स डिस्कस इन क्लास, तो ये छोड़ दीजिए अभी, ये कीजिए आप चाहे तो आप कर सकते हैं, थिंक एंड आंसर है, आप खुद सोच के करें इसको। आगे है लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, ये आप देख रहे हैं ना पिंक कलर में, अपनी बुक में पढ़ लेना है इसको, लाउडली, ब्रेवली, केयरफुली, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट अभी इसके आगे एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हमने इन्हीं एडजेक्टिव को करना है।
जी एक्सरसाइज में देखिए, इसमें ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है, इसको अपने एडजेक्टिव बनाना है, तो ये स्वीट का स्वीटली बन जाएगा। तो क्या बनेगा नया सेंटेंस लिखेंगे तो, द बर्ड सैंग स्वीटली। पॉइंट नंबर टू देखना राइट हैंड साइड में, द चिल्ड्रन सॉल्व द सम्स ईजीली। इसी प्रकार से क्विक का क्विकली बन जाएगा, केयरफुल्ली बन जाएगा आगे, और ब्यूटीफुल है जो ब्यूटीफुल्ली बन जाएगा। लेकिन केयरफुल और ब्यूटीफुल में ध्यान रखना, एल वाई लगाएंगे तो डबल एल वाई हो जाएगा, ये ना करें कभी सिंगल एल वाई लगा दें, तो इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखें। आगे देखिए, एच चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने गैप को फिल करना है बॉक्स में से करेक्ट एडवर्ब को लेते हुए। देखिए, नीटली, लाउडली, पोलाइटली, जेंटली और रेसली ये दिए हुए हैं। तो ग्रैंडमा इज स्लीपिंग, डू नॉट टॉक लाउडली, क्या आएगा लाउडली, भाई ग्रैंडमा सो रही है तो ऊंचे स्वर में ना बोले, डोंट टॉक लाउडली। पॉइंट टू, वी मस्ट नॉट ड्राइव रैशली, रैशली होता लापरवाही से, हमें लापरवाही से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। पॉइंट थ्री, कीप योर बुक्स नीटली ऑन द टेबल, यानी बुक्स को साफ सुथरे रखें टेबल पर। पॉइंट फोर, टॉक पोलाइटली विद योर टीचर्स, अपने टीचर से पोलाइटली बात करें। पॉइंट फाइव, द मदर स्पोक जेंटली विद द बेबी, मम्मी ने बेबी से बड़ी जेंटली वे में बात की। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, आपने इसको कंप्लीट कर भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और बड़ा अच्छा भी आपको लगा होगा सीखते हुए, तो आपने बड़ा आनंद लिया सीखने में। थैंक यू वेरी मच।